कक्षा दसम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग लखनवी अंदाज जो हमारा पाठ है उसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ना प्रारंभ किया था और लेखक के संबंध में अर्थात यशपाल जी के संबंध में हम लोगों ने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। तो आइए आज हम लोग पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो लेखक परिचय प्राप्त कर लिया है। आपकी किताब में इस पाठ के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ लिखी हुई है, आप हम इसको देख लेते हैं। यूं तो यशपाल ने जो लखनवी अंदाज व्यंग है यह साबित करने के लिए लिखा था कि कथ्य के बिना भी कहानी लिखी जा सकती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। अर्थात कहने योग्य बात के अलावा, कथ्य का मतलब होता है कहने योग्य या कथनीय, कहने योग्य या कथनीय, इसके अतिरिक्त इसके अलावा भी कहानी लिखी जा सकती है, परंतु उसे स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर, जो पतनशील सामंती वर्ग है, अब सामंती प्रथा क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। सामंती प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था थी और अभी भी है, जिसने कुछ चुने हुए लोग बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के भूमि से जीविकोपार्जन करते हैं। अर्थात उनके पास बहुत सारा भूभाग होता है और वो बिना किसी श्रम के, बिना किसी मेहनत के उस भूमि से जीविकोपार्जन प्राप्त करते हैं। अर्थात वो उस भूमि को गरीब और जो निम्न वर्ग है, जैसे किसान, उसको वो लोग खेती करने के लिए देते हैं और फिर उससे अच्छे तरीके से लगान की वसूली, अर्थात उससे अपने हिस्सा, जबरदस्ती कहिए जैसे कहिए, वो लोग प्राप्त करते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। और इस तरीके से किसानों का वो शोषण करते हैं कि उस पर तो लगभग सभी लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है कि किस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है। बहुत किसानों का दर्द भरा पड़ा है, पूरा साहित्य से लेकर मीडिया, टीवी, सब जगह आपको दिखाई देगा कि किसान कितने दुखी और पीड़ित हैं शोषण के कारण। तो इस पतनशील वो क्या करते हैं, उस भूमि से जीव को पार्जन करते हैं। इन्हीं लोगों के समूह क्या कहते हैं, सामंत वर्ग कहते हैं। तो ये पतनशील सामंत वर्ग पर कटाक्ष किया है यशपाल ने, व्यंग किया है, प्रहार किया है कि ये किस तरीके से शोषण करते हैं और दिखावे का जीवन जीते हैं। वह व्यवस्था आज पतनशील है, लेकिन पतनशील है, पतन हो रही है, बहुत हद तक उसका पतन हो चुका है, फिर भी उसके जो लोग हैं, उस तरह का जो जीवन जीने वाले लोग थे, अभी भी उसी दिखावे की प्रवृत्ति में अपना जीवन जी रहे हैं और वास्तविकता से बेखबर है। जो सच्चाई है उससे वो दूर है, उसी बनावटी जीवन शैली पर लेखक ने करारा व्यंग किया। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक कह रहे हैं कि आज भी वे बने हुए हैं, आज भी वह व्यवस्था है जो पतन के गर्त में जाए, फिर भी उसने वास्तविकता को ग्रहण नहीं किया है और दिखावे का जीवन जी रही है, दिखावे का बनावटी जीवन जी रही है। तो आइए अब हम लोग अपने पाठ को शुरू करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं।
लखनवी अंदाज। मुफसिल, मुफसिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ, जो केंद्र होता है, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का जो इलाका होता है उसे हम लोग, स्थान होता है उसे कहते हैं मुफसिल। किट पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फुंकार रही थी, अर्थात सीटी बजा रही थी, आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्रेनों में श्रेणी विभाजन होता है, जिसकी जैसी हैसियत होती है या जिसको जैसा आराम चाहिए या जैसी सुविधा चाहिए, उस सुविधा के अनुसार दाम देते हैं और उस श्रेणी का उपभोग करते हैं। तो ट्रेनों में देखिएगा, आप लोग सभी जानते हैं कि ट्रेनों में कितनी तरह की श्रेणियां होती हैं, हम उस पर बात करके समय व्यर्थ ना करें, ना करें तो चलेगा। तो सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, लेखक को ज्यादा दूर नहीं जाना था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। इस बात को हम लोग सभी जानते हैं कि ट्रेन में बैठे और खिड़की के पास बैठकर बाहर का जो प्राकृतिक दृश्य है, जो दृश्य बाहर दिखाई देता है, वह ना देखने को मिले तो ट्रेन का सफर कैसे, तो उसे भी देख सकते हैं और वहां बैठकर आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते हुए अपनी नई कहानी के संबंध में लेकर सोचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, उन्होंने जैसा कि अनुमान लगाया था उसके विपरीत डिब्बा निर्जल नहीं था, अर्थात वह खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन, अर्थात भद्र व्यक्ति, बहुत सुविधा में पलथी मारे बैठे थे, अपने पैरों को मोड़कर बैठे थे, जिसे हम लोग पलथी मारकर बैठना कहते हैं। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, यानी उन्होंने अपने सामने क्या रखा था, दो ताजे खीरे उन्होंने रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब आप आराम से बैठे हो, कुछ सोच रहे हो या कुछ करना चाहते हो, अचानक कोई आ जाए और उसमें विघ्न पड़ जाए तो आप निश्चित रूप से अपना असंतोष प्रकट करेंगे, तो वे भी ऐसा असंतोष दिखाते हैं। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूज की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्या कि जो भद्र व्यक्ति बैठे थे वो भी हो सकता है किसी कहानी की चिंता में सोच में बैठे हो, या फिर अपदार्थ वस्तु, खीरे, खीरा कोई ऐसा भोज्य पदार्थ नहीं है जिसे हम लोग कहें कि वह राजसी भोजन है, ऐसा नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भोज्य है वो, हमारा खाद्य पदार्थ है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके लिए अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ, जो कहा नहीं जा सकता कितने तरह के राजसी भोजन होते हैं, गरीब लोगों के लिए क्या राजसी भोजन, सामान्य भोजन मिल जाए तो भी काफ़ी है, पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जो दिखावे की संस्कृति में पैसे वाले हैं, उन लोगों के लिए तो खीरा एक अपदार्थ चीज है, अर्थात कोई महत्व नहीं रखता, भले ही वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। तो लेखक ऐसा अंदाजा क्या लगा रहे हैं कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक फरमाते देखे जाने से संकोच में हो, कि एक इतना भद्र व्यक्ति नवाब बैठा है और खीरे जैसा चीज, जो सामान्य भोजन, जो गरीब अमीर सबको
सहजता से उपलब्ध है। अभी मैं नहीं कह सकता कि सबको सहजता से उपलब्ध है कि नहीं, क्योंकि खीरा भी आजकल लोग बहुत खाने लगे हैं, जिसके चलते दाम ऊपर नीचे होते रहता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सबके लिए वो प्राप्य है या नहीं है, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई थी तब हो सकता है इसे उतना महत्व न दिया जाता हो, लेकिन आज तो बहुत महत्व दिया जाता है। तो देखे जाने से वो संकोच में कितना भद्र व्यक्ति और सामान्य सी चीज खा रहा है, इसलिए वो थोड़े असंतोष प्रकट कर रहे हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया कि हाँ अब देखिए ट्रेन में अब जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अब चुपचाप गुमसुम बैठकर बिना किसी से बात किए आज तो हम लोग कोई मैटर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात करे ना करे। हमारे पास एक यंत्र होता है, आपको बताइए, जिसे हम लोग मोबाइल कहते हैं, वो तो मिल गया काफ़ी है, चाहे कितना भी हो, दो घंटे का हो, 10 घंटे का हो, 20 घंटे का सफ़र कट जाता है। तो पहले तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो लोग ट्रेनों में बैठते हुए बातें करते हुए गपशप करते हुए अपने अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। तो देखा क्या कह रहे हैं कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया कि चलिए आ गए हैं तो कोई बात नहीं, बातचीत करते हुए चलते हैं। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर असम्मान आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, चलिए कोई बात नहीं, आप बात करने के लिए उतावले नहीं है या नहीं बात करना चाहते, तो हम भी ऐसे नहीं है जो आपको बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। तो उन्होंने आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते करते रहने की पुरानी आदत है, यानी ऐसे ही बैठकर कल्पना में डूब जाने की आदत मेरी है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफायत के विचार से, यानी मितव्ययता के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, नहीं तो उनके लिए तो फर्स्ट क्लास का डब्बा होना चाहिए था। तो शायद बचत करने की दृष्टि से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया हो। अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश का मैंने आप बता दिया है भद्र व्यक्ति, तो कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में, यानी फर्स्ट क्लास से निम्न श्रेणी है वो मझला दर्जा, तो उस श्रेणी में सफर करते हुए देखे, ये उन्हें पसंद नहीं है। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। भाई पहले ही हम लोगों ने इस पर बात कर ली कि खीरा क्या है, उनके लिए अपदार्थ चीज है, तो कैसे खाएं, एक साधारण से व्यक्ति के सामने हम खीरा खाएं, ये कैसे हो सकता है। हम कनखियों से आंख तिरछी करके कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे कि क्या हो रहा है, वह उस पर विचार कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, वाह कीजिएगा अदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। यह शिष्टाचार है कि सामने कोई बैठा हो और आप खा रहे हो, कुछ खाना चाह रहे हो और सामने वाले को ना पूछे, इसे अशिष्टता माना जाता है, इस शिष्टाचार के बिल्कुल विरुद्ध कहा जाएगा। तो नवाब साहब ने, चूंकि नवाब थे, उन्होंने क्या कहा कि क्या आप इसे शौक फरमाएंगे, खाना पसंद करेंगे आप। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, इस तरह का उनमें परिवर्तन देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। भाव लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, काबिला शौक फरमाइए। ठीक है, तो शिष्टाचार का उत्तर लेखक ने शिष्टाचार के रूप में ही दिया। तो आज हम लोगों ने जितना पढ़ा, अगली कक्षा में हम लोग बाकी का जो भाग है उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।